हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हम आए हैं कृष्ण की नगरी वृंदावन में और यहाँ हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं प्रेम मंदिर को। तो इस वीडियो में आपको प्रेम मंदिर से जुड़ी सभी जरूरी जानकारियाँ मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो बात करें प्रेम मंदिर की, तो प्रेम मंदिर जो कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले के समीप वृंदावन में स्थित है, जिसका निर्माण जगत गुरु कृपालु महाराज द्वारा करवाया गया था। वृंदावन का यह प्रेम मंदिर भगवान श्री कृष्ण, राधा और राम सीता को समर्पित है। इस मंदिर का शिलान्यास 14 जनवरी 2001 को किया गया था और इस मंदिर के निर्माण में 11 वर्ष का समय और लगभग 150 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है, जिसे पब्लिक के लिए 2012 में खोल दिया गया था। संपूर्ण मंदिर यानी यह पूरा मंदिर 54 एकड़ में बना है और यह भव्य प्रेम मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना है, जो कि इटली से मंगवाए गए थे। अगर आप भी प्रेम मंदिर आना चाहते हैं और यदि आप आ रहे हैं ट्रेन से, तो आपको बता दूं कि जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है मथुरा जंक्शन और दूसरा है मथुरा कैंट का, जहां से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी या बस द्वारा प्रेम मंदिर पहुंच सकते हैं। और अगर आप आ रहे हैं फ्लाइट से, तो आपको बता दूं जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है खेरिया एयरपोर्ट, जो आगरा में है, जो वृंदावन से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर है। और एक दूसरा एयरपोर्ट है वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दिल्ली में है। वहां से लगभग वृंदावन की जो दूरी है वो 164 किलोमीटर की है और इन दोनों एयरपोर्ट से आप बस या फिर टैक्सी द्वारा वृंदावन पहुंच सकते हैं। प्रेम मंदिर में जाने के लिए किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं होता है और यह सप्ताह के 7 दिन खुला रहता है। अगर बात करूं टाइम की, तो ये मॉर्निंग में 5:30 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक खुलता है और फिर शाम को 4:30 बजे से लेकर रात के 8:30 बजे तक ओपन रहता है। वैसे तो आप प्रेम मंदिर कभी भी आ सकते हैं, पर बात करूं एक सही मौसम की, तो आप फरवरी से अप्रैल और अक्टूबर से दिसंबर के महीनों में आ सकते हैं, जिसमें मौसम ठीक रहता है। जैसे ही आप मंदिर के अंदर जाएंगे, तो सबसे पहले आपको वृंदावन का सबसे प्यारा और सबसे सुंदर मंदिर दिखने वाला है, जिसको प्रेम मंदिर के नाम से जाना जाता है। और बाकी पूरे परिसर में आपको हरियाली दिखेगी या श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियां, और इन झांकियों के माध्यम से आप श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाते हुए देख सकते हैं। हर शाम को सूर्यास्त के बाद इवनिंग लेजर लाइट से प्रेम मंदिर का रंग बदलते हुए भी देख सकते हैं, जिससे पूरा मंदिर जगमगा जाता है और हर 5 मिनट में मंदिर का रंग भी बदलता रहता है। और इसके अलावा प्रेम मंदिर में हर शाम को 7 और 7:30 बजे एक म्यूजिकल एंड डिजिटल फाउंटेन शो भी होता है, जो हर शाम को आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अब मंदिर के अंदर और देखते हैं मंदिर का पूरा व्यू। तो जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करते हैं, तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे, आपको यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही प्यारा सा बना हुआ दिखेगा, जिसका नाम है कृष्ण कालिया नाग लीला। अगर इसको आप रात में देखोगे तो बहुत ही सुंदर इसकी लाइटिंग होती है और यहाँ पे फाउंटेन वगैरह भी चलता है, तो मतलब ये देखने में ना बहुत ही सुंदर लगता है। बाकी अब चलते हैं आगे की तरफ, और जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, तो आप देखोगे वृंदावन का सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा मंदिर, और यहाँ पे आपको श्रद्धालुओं की भीड़ दिख रही होगी। तो यहाँ पर इसी तरीके से मतलब हर सैटरडे संडे और लगभग बाकी 7 दिनों में भी काफ़ी भीड़ रहती है, और जैसा कि आप देखोगे मंदिर के चारों तरफ काफ़ी हरियाली वगैरह भी है। अब चलते हैं फाउंटेन शो की तरफ, जो हर शाम को इवनिंग में 7:30 से 8 बजे होता है गर्मियों में, और ठंड में है 7 से 7:30। अभी यहाँ पे आपको भीड़ दिख रही होगी, धीरे धीरे ये भीड़ बढ़ने वाली है क्योंकि अभी शो कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, और जैसे ही शो स्टार्ट होगा यहाँ पे आपको श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती हुई दिखेगी। तो बस अभी गार्ड भाई साहब आए हैं, दरवाज़ा खोलेंगे और यहाँ पे अब एक एक करके धीरे धीरे लोग जाएंगे और भीड़ जमा होती है आपको दिखने लगेगी। अभी थोड़ी देर में आप भीड़ देखोगे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ने वाली है क्योंकि जो फाउंटेन शो है वो यहीं होने वाला है। बाकी अभी जैसे इवनिंग होती जा रही है, तो मंदिर की लाइटिंग भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रही है। अभी फिलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी ये लाइटिंग और बढ़ेगी और ये मंदिर काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। और कहते हैं कि हर 5 मिनट में इसकी लाइटिंग है ना बदलती रहती है। तो अभी यहाँ पे जैसे जितना भी आपको स्पेस दिख रहा है अभी खाली, अभी जैसी शो की टाइमिंग होगी, जैसे अभी 7:30 बजेंगे आपको यहाँ पे भीड़ दिखने वाली है, तो टाइम लगभग होने वाला है और आपको भीड़ यहाँ पे दिख रही होगी, भीड़ लगभग जमा हो चुकी है। तो अब शो को देखते हैं और जो लगभग आधे घंटे का चलने वाला है, और फिर आगे की जानकारी मैं देता हूँ शो के। तो फ्रेंड्स, ये है म्यूजिकल एंड डिजिटल फाउंटेन शो, जो हर शाम को प्रेम मंदिर के अंदर होता है।
ट्रेन जो भी हाफ एन आवर चलेगा, देखने में बहुत ही मौसम लग रहा है। इसकी टाइमिंग इवनिंग में ही होती है 7:30 से 8 बजे, ये है इसका गर्मियों का टाइम। अगर ठंड की बात करें तो ये 7 से 7:30 बजे तक होता है। तो फ्रेंड्स, शो फिनिश हो चुका है, लगभग आधे घंटे का चला था और देखने में इतनी सुंदर लाइटिंग लग रही थी। बाकी अब देखोगे जैसा कि नाइट हो चुकी है और लगभग 8 बजे का टाइम हो चुका है और लाइटिंग आप देख रहे हो, प्रेम मंदिर की लाइटिंग लगभग पूरी हो चुकी है और यहाँ पे अब हर कुछ देर में ना आपको प्रेम मंदिर की लाइटिंग बदलती हुई दिखने वाली है। ये देखो अब कुछ इस तरीके का कलर हो गया। तो इस तरीके से ना मंदिर की लाइटिंग हर बार चेंज होती रहती है। बाकी अब जितने भी आपको भीड़ दिख रही है, अब मंदिर की जो क्लोजिंग टाइम है वो 8:30 बजे की होती है, तो मंदिर भी अब क्लोज होने वाला है। तो अब जैसे जैसे श्रद्धालु अपना घर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बाकी आपको दिखाता हूँ, निकलते निकलते भी कुछ झांकियाँ हैं तो वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, एक झांकी ये है, अगर आप देखोगे इसकी लाइटिंग इतनी सुंदर बनाई हुई है, जो देखने में इतनी अच्छी लग रही है, मतलब देखने में बहुत ही प्यारी है और हर कुछ देर में इसका भी कलर चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, एक झांकी और है, ये जब हम मंदिर से एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करते वक्त ये एक झांकी और आती है जहां पर कृष्ण जी झूला झूल रहे हैं। बाकी भाई, अब जैसे ही मंदिर क्लोज होने वाला है तो अब श्रद्धालु धीरे धीरे अब निकल रहे हैं और भीड़ आपको दिख ही रही होगी। बाकी जो भी भाई चैनल पर नया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।